नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूँ आरती पांडे। एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। चीन की वजह से जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को एक बार फिर वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में चौथी बार चीन की वजह से ये कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। राफेल मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने जा रही है। बुधवार को इस मामले को लेकर एक हलफनामा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ा है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को घेरते हुए सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पहली बैठक आज होने जा रही है। दोनों देशों ने इस कॉरिडोर को लेकर 3 महीने पहले सहमति जताई थी। इस सहमति के 3 महीने बाद ये बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब नेताओं के विवादित बयान आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिसकी खासी आलोचना हो रही है। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।